गुड मॉर्निंग एवरीवन। पार्ट वन में हमने चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप, उसमें हमने पार्ट वन में क्वेश्चन आंसर तक देखे थे, यानी कि पेज नंबर 47 तक। आज हम लोग 48 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को अपनी टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 48 निकालना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट वर्क इज पेज नंबर 48। 48 के पेज पे क्या है? कोई रैपर यहाँ पर चिपकाना है और दिए गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखोगे, रैपर्स लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर लगाया था कोई बालाजी वेफर्स का, ठीक है। अगर आपको लगाना है तो आपके चिपका लेना बालाजी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किसका रैपर है? यह बालाजी वेफर का रैपर है। मैंने बालाजी का लगाया है इसलिए मैं बालाजी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, आप भी बालाजी के रैपर्स लगा लेना। इस रैपर पर क्या कीमत छिपी हुई है? इस रैपर पर 5 रुपये की कीमत छिपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है? इसका पैकिंग दिनांक 13/9/2012 को हुआ है। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उपयोग पैकिंग के बाद 3 महीनों तक कर लेना चाहिए। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसमें कुछ भी नहीं है, एक रैपर्स लेना है कोई भी बालाजी का, और उसके नीचे जो डिटेल्स दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर हमें क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 49 में तो कुछ नहीं है, सिंबल्स है तो वह देखने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग, हॉस्पिटल, पैदल यात्री और साइकिल। तो अब हम लोग जाएंगे पेज नंबर 50 पे। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो वो देखते हैं। क्वेश्चन 1, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत को आपके सुख दुख का ध्यान रखना है, आप उसे ही राजा माने। क्वेश्चन नंबर 3, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपना खड़ाव दिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाव रखकर राजकाज करने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार की भाई को मदद भी करता हूँ। अब देखते हैं उसके नीचे ब्लैंक्स है। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आया, यानी मैं, इसमें मैं और या, यह वर्ड्स लगाकर ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नंबर 2, मैं तुझे रोटी न लेने जाने दूंगी। नंबर 3, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। मैं और मैं में क्या डिफरेंट है बच्चों? एक में एक मात्रा लगी हुई है, दूसरे में 2 मात्रा लगी हुई है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, रोटी लेने पहले मैं चपटी थी। समझ में आ रहा है मैं और मैं का मीनिंग क्या होता है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थल जल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग करना है। तो जल पे रहने वाले बतख, मछली, मगर, केकड़ा और कछुआ। अब देखते हैं थल पर रहने वाले, यानी जाके पेड़ पे, डाली पे हम, और थल यहाँ वहाँ घूमने वाले भी, शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा, ठीक है। अब पेड़ों पर रहने वाले, बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया और गिद्ध। देखते जा रहे हो सभी बच्चों? तो इस तरह से हमें उसके आंसर लिखना है। तो मैंने पहले ही बोला था पेज नंबर पार्ट वन में हमने क्या किया था, ग्लोसरी, महावरे और क्वेश्चन आंसर लिए थे। पार्ट टू में पेज नंबर 48 वाले लेंगे क्वेश्चन आंसर,
50 का पूरा वर्क लेंगे। अब देखते हैं पेज नंबर 51। अपना नाम लिखिए, यानी आपको यहाँ पे अपना खुद का नाम लिखना है, तो मैं लिखूँगी पंक्ति, आप लिखोगे खुद का नाम। अपने गांव शहर का नाम लिखिए, जहाँ पे रहते हो वह गांव शहर का नाम लिखना है। अपने दोस्तों के नाम लिखिए, जो आपके फेवरेट हैं, बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम कोई तीन के लिखना है। नंबर 4, किन्हीं चार नदियों के नाम लिखिए, तो चार नदी, शेत्रुंजो और कोई भी लिख सकते हो। पर्वत के नाम लिखना है, नदी के नाम लिखना है, तो गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, कोई भी। फिर पर्वत के नाम लिखना है तो गिरनार, शेत्रुंजो, पावागढ़। फिर पर्वत तो मैंने बोल दिया, नदी में आप कोई भी लिखोगे, बनास, साबरमती, नर्मदा, गंगा, यमुना। पर्वत में भी कोई भी लिख लेना, गिरनार, शेत्रुंजो, पावागढ़। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब जा रहे हैं पेज नंबर लास्ट पे, पेज नंबर 52। उसमें है उचित जोड़ मिलाइए, देख रहे हो सभी लोग? तो महेश, महेश क्या है? लड़का। तो लड़के के सामने ज्वाइन करना है। हिमालय, हिमालय पे आएगा पर्वत। फिर है गंगा, गंगा क्या थी? यस, नदी। फिर रामायण तो पुस्तक, और भारत देश। एक बार और रिपीट करती जा रही हूँ, देखते जाना। महेश, लड़का, हिमालय, पर्वत, गंगा, नदी, रामायण, पुस्तक, भारत देश। तो अगेन एक बार सुनते जाना है। पार्ट 1 में ग्लोसरी, मुहावरा, क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 में पेज नंबर 48, 50, 51 और 52। यानी कि आप लोगों को पेज नंबर 47 से लेके 52, उसका HW आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में करना है। जो जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया, सिर्फ उतना ही वर्क लेना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पुनरावर्तन 2, वहाँ से वर्क देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ।